नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 4K Tech में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैनल मोनेटाइजेशन के बारे में। तो अगर आपको वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि आपका चैनल अगर अंडर रिव्यू है और फिर भी आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं कि आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी यूट्यूब आपको बताता है कि आपका चैनल क्यों रिव्यू मतलब क्यों मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है तो वो आपको एक रीजन देता है सॉलिड, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका चैनल जो है इस रीजन से मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनसे चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होते हैं। देखिए नंबर वन, तो अगर आपके चैनल्स पर रीयूज कंटेंट है तब आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा। रीयूज का मतलब होता है कि आपने एक ही सेम वीडियोस को या थोड़ा सा चेंज करके एक से अधिक यूट्यूब चैनल्स पर अगर उसको अपलोड कर रखा है और उसके बाद अगर आप अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए मोनेटाइजेशन के लिए मतलब रिव्यू में देते हैं तब आपका चैनल किसी भी हालात में मोनेटाइज नहीं होगा। देखिए रीयूज में आता क्या क्या है, जैसे कि आपके अगर जैसे देखा होगा डीजे के जितने भी चैनल्स होते हैं जिनमें म्यूजिक को रिमिक्स किया जाता है, तो वो सारे जो चैनल्स हैं म्यूजिक किसी का है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है और उसको यूज किया जाता है, वो एक प्रकार से रीयूज में ही आता है। दूसरा है कि आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स को देखा होगा जिनमें एक बैकग्राउंड में जो वीडियोस है वो उनका खुद का होगा लेकिन उस पर जो ऑडियोस या फिर जो सॉन्ग्स है वो किसी दूसरी कंपनीज का होता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि कॉन्टेंट आईडी क्लेम जो है वो डायरेक्टली उन वीडियोज पर आ जाता है, वो भी उसी भी प्रकार के कोई भी वीडियोज जो है वो यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन के अलावा नहीं होते हैं। अब ये तो कुछ कारण हो गए जिनसे आपका चैनल जो है अंडर रिव्यू में है और मोनेटाइज नहीं होगा, बार बार आपका चैनल जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक और मेजर जो चीज़ है वो ये है कि हो सकता है कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो और उसके कारण आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा हो। तो यहाँ आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि यूट्यूब जब भी ऐसा कुछ करता है आपके चैनल को रिव्यू में देखने के बाद आपको जो फीडबैक मतलब पलंग से जवाब जो आपको मिलता है उसमें क्लियर ये मेंशन होता है कि आपके चैनल्स को किस लिए मोनेटाइज नहीं किया गया है। दूसरा, लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर 12 मंथ के अंदर हमारा जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, तब हमको क्या करना है, क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। देखिए YouTube पर ये चीज़ ज़रूर है कि 12 मंथ में आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जब से आपने चैनल स्टार्ट किया है तब से 12 महीने में आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। इससे कोई किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका जो चैनल है वो ये होना चाहिए कि आपने जिस दिन आपके 4000 घंटे के वॉच टाइम कंप्लीट होता है उससे पिछले का जो 12 महीने हैं उसमें कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब से आपने चैनल को बनाया है तब से कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आप चाहे 2 साल में कंप्लीट कर पाते हैं या 2 से अधिक साल में कंप्लीट कर पाते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस ये देखिएगा जिस दिन आप अपने YT स्टूडियो में जाइएगा और सीधे 365 दिन का अपना डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं और कितना वॉच टाइम है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं पता चलता है तो सीधे आप जाइए गूगल क्रोम्स वगैरह पे, अगर आप अपने फ़ोन यूज करते हैं चाहे लैपटॉप या जो भी आप यूज करते हैं, गूगल क्रोम में जाके जो है आप चेक कर सकते हैं अपने एनालिटिक्स में जाके कि आपका जो वॉच टाइम है वो कितना है। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आता है तो सीधे सीधे जहाँ से आप अपने चैनल्स के लिए मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में देने के लिए या फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे बस डॉलर्स के सिंबल पर क्लिक कीजिएगा और आपको दोनों चीज़ें जो है मोनेटाइजेशन के लिए मतलब जो सब्सक्राइबर हैं और साथ ही साथ आपका जो वॉच टाइम है वो कम्प्लीटली दिख जाएगा कितना है। अब कुछ लोगों को एक चीज़ ज़रूर होती है कि जैसे कि 12 महीने उनके कम्प्लीट हो गए और फिर भी वो आगे वीडियोज़ बना रहे हैं, तो जो आपका जो आगे का टाइम है मतलब जो भी आपकी वीडियोस देखी जा रही है वो आपके वॉच टाइम में जुड़ती जाती हैं और 1 साल से पहले का जो वॉच टाइम है जो पिछला आपका वॉच टाइम है वो जो धीरे धीरे कटता जाता है। तो यहाँ लोगों को एक कन्फ्यूज होता है कि यार मेरा वॉच टाइम जो है वो घटने लगा है या फिर बढ़ने लगा है। अगर देखिए जितना वॉच टाइम आपका घट रहा है अगर उससे ज़्यादा आपका वॉच टाइम आपको पर डे आगे आने वाले वीडियोज़ में अगर मिल रहा है तब आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, वरना आपका जो वॉच टाइम है वो स्थिर रह जाता है और इससे लोगों को लगता है कि यार हमारा तो वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी वीडियोस पे 40-50 व्यू आते हैं तब आपको अपनी वीडियोस की जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, देखिए यूट्यूब ने अगर आपकी अलाउ किया है कि आप अपनी
चाहे कितने भी व्यूज़ आपके वीडियोस पर आते हैं तो आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि आप अपनी वीडियोस की जो मोनेटाइजेशन है उसे ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, देखिए यूट्यूब आपको पेनल्टी है या भी जो भी है वो कब देता है, जब आपके यूट्यूब पर इनवैलिड एक्टिविटीज़ आती हैं आपके वीडियोज़ के ऊपर। तो देखिए इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज़ क्या होती है कि अगर आपने अपने फ़ोन से बार बार वीडियोस को देख रहे हैं, बार बार ऐड को देख रहे हैं, स्किपेबल नहीं कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, तब ये इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। और अगर ऐसा होता है तब आपको पेनल्टी यूट्यूब की तरफ से मिलती है। हो सकता है आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो 30 डेज़ के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, या फिर 90 डेज़ के लिए, या फिर परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट रीजन में आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल नहीं किया जाएगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार की जो है इनवैलिड क्लिक की एक्टिविटीज़ हो। आपको फर्स्ट जो है वो 30 दिन या फिर 6 महीने के लिए आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड किया जाएगा। चीज़ ये आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अगर आपका कोई जलने वाला है आपके आसपास है वो इस चीज़ को कर सकता है, अपने फ़ोन में बार बार आपकी वीडियो उसको देख सकता है। तो देखिए इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है, ऐसे लोग होते हैं और उनसे कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता कि पड़ता है, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है और वो इस चीज़ को समझ जाता है कि हाँ भाई ये जो इनवैलिड एक्टिविटी है वो किस प्रकार से हो रही है। क्योंकि जो बंदा आपकी वीडियोस को देख रहा है बार बार देख रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे आपकी वीडियोस ही देखता रहे, हो सकता है दिन में 10 बार देखे, 50 बार देखे, या फिर 2-4 घंटे बस उसको करता ही रहे। तो YouTube इस चीज़ को समझ जाता है और उसके बाद जो एड है उसको जो है बहुत ज़्यादा कम कर देता है, बार बार आपकी वीडियोज़ पर ऐड नहीं आएगा, तो वो 2-4 बार आपकी वीडियोज़ पर ऐड दिखाएगा, उसके बाद YouTube जो है ऐड दिखाना आपकी वीडियोज़ पर बंद कर देगा वो वहाँ से। तो अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जो वीडियोस के स्किपेबल ऐड होते हैं उनको बंद कर दीजिएगा, फिर आपकी वीडियोस की जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आपका वीडियोस आसानी से चलता रहेगा। लेकिन इस चीज़ में यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इनकम है वो डाउन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है जो कि आपको मुझे इस वीडियोस में बताना चाहिए था लेकिन मैं उसे कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक कमेंट का जो है वो रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो आपको जो है कमेंट के थ्रू आपके जो भी सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।